नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, हमारे जीवन में संबंधों की विशेष भूमिका होती है। दूसरों के साथ अच्छे संबंध हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि एक इंसान अपनी विचारधारा, अपनी आवश्यकता एवं अपनी क्षमता के हिसाब से समाज में दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करता है, ताकि उसका जीवन बहुत अच्छे से चल सके। लेकिन इसके पूरी तरह से विपरीत एक व्यक्तित्व विकार ऐसा भी होता है, जिसमें एक इंसान पूरी तरह से सामान्य होता है, लेकिन उसे समाज में या फिर हम कह सकते हैं दूसरों के साथ संबंध को मेंटेन करने में कोई भी रुचि नहीं होती है। उस व्यक्तित्व विकार का नाम है सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने पर एक इंसान दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने के बारे में नहीं सोचता है, तथा वह दूसरों के साथ किसी भी प्रकार का भावनात्मक लगाव नहीं रखता है। हम कह सकते हैं कि यह इंसान समाज से अलग थलग रहता है, तथा सामाजिक गतिविधियों में इस तरह के लोगों की कोई भी रुचि नहीं होती है। अगर हम व्यावसायिक जीवन की बात करें तो ये लोग सामान्यतः ऐसे कामों को करना पसंद करते हैं जिसमें इन्हें दूसरे लोगों के साथ कम से कम बातचीत करना पड़े। साथ ही साथ यह भी देखने को मिलता है कि इन लोगों का विवाह नहीं होता है, या फिर यह अपना जीवन अकेले बिताना ही पसंद करते हैं। सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक मुख्य लक्षण यह भी देखने को आता है कि इनका जानवरों के साथ काफ़ी लगाव होता है, तथा इंसानों के साथ खुद को कंफर्टेबल महसूस ना करते हुए यह लोग जानवरों के साथ अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे लोगों के साथ एंजाइटी की समस्या होना बहुत ही कॉमन है। इनके अंदर घबराहट का स्तर हमेशा बना रहता है, क्योंकि ये जब भी दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, तो ये अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करने लगते हैं। तो आवश्यकता है इस बात को समझने की कि अगर हमारे आसपास हमें कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो कि सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सामना कर रहा है, तो उसके ऊपर सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा बनने के लिए दबाव ना डालते हुए उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए, तथा वह सामाजिक गतिविधियों में खुद को सहज महसूस कर सके इसके लिए उसे अभिप्रेरित करना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति इस तरह की समस्या का सामना कर रहा है, तो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। तो यह थी सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारियाँ। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।